बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन हाई स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा था हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट की हुई है। आज आपका लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो है रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डिफरेंट टाइप्स जो हैं इक्वेशंस की वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके फिर हम उनको सॉल्व करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो इक्वेशन की टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रेसिप्रोकल इक्वेशन। डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट इज़ रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। मीन एक्स का रेसिप्रोकल ले लें, 1/x ले लें, इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1/x पुट कर दें और इक्वेशन में कोई चेंज ना हो तो उस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। इसके लिए हम इसकी ये जनरल फॉर्म ले रहे हैं, इसमें अभी हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में प्रूव करेंगे। नाउ रिप्लेसिंग एक्स बाय 1/x इन इक्वेशन ax^4 माइनस bx³ प्लस cx² माइनस bx + a इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें जहाँ जहाँ x है उसको 1/x से रिप्लेस कर देंगे। देखें, a 1/x^4 माइनस b 1/x³ प्लस c 1/x² माइनस b इंटू 1/x एंड प्लस a इज इक्वल टू 0। जहाँ x है वहाँ हमने 1/x पुट कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। a ओवर x^4 प्लस b ओवर x³ प्लस c ओवर x² माइनस b ओवर x प्लस a इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब आप इसमें देखें कि यहाँ डिनोमिनेटर्स में जो मैक्सिमम पावर है x की एक्सपोनेंट वो 4 है, तो x^4 से हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दें तो x^4 मल्टीप्लाइड बाय a ओवर x^4 प्लस x^4 मल्टीप्लाइड बाय b ओवर x³ प्लस x^4 मल्टीप्लाइड बाय c ओवर x² माइनस x^4 मल्टीप्लाइड बाय b ओवर x एंड प्लस ax^4 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। अब यहाँ x^4 से x^4 कैंसिल कर दें, इक्वल टू a प्लस ये क्यूब है तो bx प्लस ये क्वाड्रेटिक टर्म है, कैंसिल कर देंगे तो cx² माइनस ये कैंसिल कर देंगे bx³ एंड प्लस ax^4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ ax^4 है पॉजिटिव, यहाँ भी ax^4 था पॉजिटिव, ये bx³ है नेगेटिव, यहाँ भी bx³ है नेगेटिव, ये cx² है पॉजिटिव, यहाँ भी cx² है पॉजिटिव, और सेम यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास माइनस बी एक्स है और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस बी एक्स है, ये प्लस ए है और ये भी हमारे पास प्लस ए है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये है ax^4 माइनस bx³ प्लस cx² माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स देयर इज नो चेंज, सो इट्स अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है रेसिप्रोकल इक्वेशन। डेफिनेशन थी, एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने ये इक्वेशन ली है, इसमें हमने एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई किया, x^4 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद जो इक्वेशन हमने गेट की है ये वही है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। तो इट मीन्स देयर इज़ नो चेंज, सो दिस इक्वेशन इज़ अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.3, आज हम इस मेथड से देखेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे।
ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सामने सॉल्व करूंगा, और इसके साथ आपने घर पर पेज नंबर 9 पे जो एग्जांपल नंबर 3 है वो सॉल्व करनी है, और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 11 ये आपने घर सॉल्व करना है। ये दोनों मैंने आपके सामने बता दिए आपको, जो प्रैक्टिस आपने करनी है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्स पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक टर्म से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने की अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। डिवाइडिंग बाय x² ऑन बोथ साइड्स। नाउ एक्स पावर 4 ओवर x² माइनस 2x³ ओवर x² माइनस 2x² ओवर x² प्लस 2x ओवर x² एंड प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, देन वी गेट x² माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मकसद ये है कि हम इसमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स ले लें, कुछ ऐसा पोर्शन ले लें जिसको हम लेट करके, सपोज करके किसी और वेरिएबल में जाके हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आएं, सिंपल करके इसको सॉल्व कर सकें। तो रीअरेंज करते हुए एक्स, इसका जो मेथड है x² और ये क्वाड्रेटिक टर्म 1 ओवर x² माइनस 2x प्लस 2 ओवर x एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको रीअरेंज हम कर रहे हैं, x² प्लस 1 ओवर x, इस पोर्शन को हमने अलग कंसिडर कर लिया है, एक ब्रैकेट में है इसी में शामिल, माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से आ जाएगा x, ये माइनस कॉमन लिया है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले चुके हैं, बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक टर्म है और ये लीनियर है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 2 है, तो हमने जो स्मॉलेस्ट डिग्री होती है उसको लेट करते हैं, तो लेट कर लेंगे x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स, सो x इंटू x माइनस 1 ओवर x इंटू x सॉरी स्टूडेंट्स, हम यहां पर इसका स्केयर लेंगे ताकि हम यहां पर उसकी वैल्यू, यहां पर क्वाड्रेटिक टर्म की वैल्यू बना सके। नाउ स्केयर ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1 ओवर x होल स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर, इसका स्केयर ले लेंगे, x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू y² x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा। नाउ x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 2 इज इक्वल टू y² सो x² प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू y² 2 उधर ट्रांसफ़र कर देंगे प्लस 2। यहाँ स्टूडेंट्स देखें, हमने ये जो क्वाड्रेटिक टर्म्स को रीअरेंज करते वक्त अलग एक यूनिट बनाया था उसमें हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इस इक्वेशन को हम कह देंगे इक्वेशन 1, पुट इन 1। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा, दोबारा मैं इक्वेशन आपके सामने लिख देता हूँ, x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 2 x माइनस 1 ओवर x एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं y² प्लस 2 माइनस 2, इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं y एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ y² प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, y² माइनस 2y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं इन टू टर्म्स में y कॉमन है, नाउ y कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
सो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स यहाँ हमने y की वैल्यूज गेट कर ली हैं, लेकिन हमारी एक्चुअल जो इक्वेशन है वो x में है। तो अब इन y की वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। जहाँ हमने सबसे पहले y लेट किया था उस इक्वेशन का नाम हमने a रखा है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ फ्रॉम a x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y था हमारे पास। नाउ व्हेन y इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स। नाउ x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लें। x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस 1, सो वी गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये x की टू वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। स्टूडेंट्स एक बात जहन में रखें, जो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं उसकी जितनी डिग्री होती है उतनी ही वेरिएबल की वैल्यूज आना लाजमी होती हैं। हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट किया था इसमें हमारी डिग्री जो है इस इक्वेशन की वो 4 है, तो अभी 2 वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, 2 वैल्यूज़ बाकी हैं। अब हम दोबारा फ्रॉम ए से ही स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ए एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये इक्वेशन ए है हमारे पास। नाउ व्हेन वाई इज इक्वल टू, वाई की दूसरी वैल्यू है 2, सो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइंग बाय एक्स ऑन बोथ साइड। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 टू द 4 एंड माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 को हम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। यहाँ आप देख सकते हैं अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 स्क्वायर इंटू 2, इंडेक्स भी 2 है और इसकी पावर भी एक्सपोनेंट भी 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 और ये वाला जो 2 है अंडर रूट 2 में आ जाएगा। तो अंडर रूट 8 को हमने इस तरह फैक्टराइज करके यूज़ किया है, डिवाइडेड बाय 2 नाउ x इज इक्वल टू 2 कॉमन 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। नाउ 2 इज कैंसल्ड विद 2, सो वी गेट x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज थी वो हमने गेट कर ली हैं। पहले 2 वैल्यूज हमारे पास आई थी प्लस माइनस 1, और अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो आंसर के लिए हम इनको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, प्लस माइनस 1 एंड 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। आंसर लिखने का मेथड इसी तरह से है, सॉल्यूशन सेट में आंसर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा एक्सरसाइज 1.3, टॉपिक था हमारा रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसमें हमने पहले जनरल फॉर्म में रेसिप्रोकल इक्वेशन को प्रूफ किया है कि व्हेन वी चेंज एक्स विद 1 ओवर एक्स देन देयर इज़ नो चेंज, द इक्वेशन रिमेंस द सेम, सो इट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसके बाद हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 लिया। क्वेश्चन नंबर 10 को हमने पहले डिवाइडिंग बाय 2 किया, उसके बाद रीअरेंज किया, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स को वाई के इक्वल लेट किया, यहाँ से स्केयर ले लिया और ये वैल्यू हमने
अपने पास बनाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू। इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया वाई स्क्वायर प्लस टू, एक्स माइनस वन ओवर एक्स की जगह पुट किया वाई एंड माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ प्लस टू और ये वाला माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमने y कॉमन लिया, y की टू वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, लेकिन हमारी एक्चुअल इक्वेशन x में है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमने फ्रॉम a, जहाँ हमने सबसे पहले y लेट किया था इस क्वेश्चन में, वहाँ से हमने दोबारा स्टार्ट किया है। वहाँ अब y की दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो को और टू को यूज़ किया, पहले ज़ीरो को टू हमने यूज़ किया है, x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू ज़ीरो, x से बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन आई, उसको फैक्टराइज कर लिया और x की टू वैल्यूज़ गेट कर ली। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि अभी दो वैल्यूज़ और हैं, क्योंकि डिग्री फोर है जो हमारी गिवन इक्वेशन है। तो हमने y इक्वल टू टू को यूज़ किया, यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, अंडर रूट एट को फैक्टराइज किया, जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अंडर रूट एट को फैक्टराइज किया, कॉमन ले लिया, कैंसिल किया और ये x की टू वैल्यूज़ हमने गेट कर ली हैं। तो टोटल हमारे पास x की फोर वैल्यूज़ हैं, इनको सॉल्यूशन सेट में लिखना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। जो एग्ज़ाम्पल है आपके पेज नंबर 9 पर, एग्ज़ाम्पल नंबर 3, ये आपने सॉल्व करनी है, और एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 11 आपने सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।